सो गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस इस वीडियो में बात करते हैं कि iOS 15 अपडेट करने के बाद बहुत सारे आईफोन यूजर्स या तो आईपैड यूजर्स को फेस टाइम वर्क नहीं कर रहा है। सो गाइस बहुत सारे आईफोन यूजर्स ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है कि iOS 15 अपडेट करने के बाद फेस टाइम फ्रीजिंग एंड ऑल्सो क्रेशिंग इश्यू हो रहा है, तो कैसे अपने आईफोन में फिक्स करें। सो गाइस iOS 15 अपडेट करने के बाद iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus एंड ऑल्सो अनदर मॉडल iPhone FaceTime नॉट वर्किंग। सो गाइस इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू फिक्स डेट इश्यू। सो गाइस आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप अपने आईफोन में FaceTime नॉट वर्किंग, फ्रीजिंग एंड क्रेशिंग इश्यू को फिक्स कर सकते हो। सो गाइस सिंपली उसके लिए आपको स्टेप फॉलो करना होगा और आप इजीली अपने आईफोन में फिक्स कर सकते हो। सो गाइस उसके लिए सबसे पहला सॉल्यूशन ये होता है कि आपको अपने कॉन्टेक्ट नेम से इमोजीज हटाना पड़ेगा। वो कैसे करना होगा? सो गाइस जब भी आप फेस टाइम में कॉल करते हो तब भी आपका इमोजी वाला नेम होता है, तो इमोजी नेम से आपका फ़ोन या तो फेस टाइम क्रैश या तो फ्रीज हो जाता है, तो कैसे फिक्स करें? तो गाइस सिंपली आपको कॉन्टेक्ट ओपन कर लाना। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो राइट हैंड साइड एडिट का ऑप्शन मिलता है, तो सिंपली उसके ऊपर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि इजीली अपना नाम एडिट कर सकते हो, तो उसके ऊपर टैप करके आपको जो इमोजी आपके नेम में है उसको सिंपली रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद राइट हैंड साइड डन का ऑप्शन रहता है, उसको सिंपली डन कर देना है। डन करने के बाद आपको अगेन फेस टाइम ओपन करके फिर से वही नेम पे या तो नंबर पे आपको कॉल करके देखना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड आपके फ्रेंड को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।